वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज जगवीर सिंह हियर। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का शानदार सॉल्यूशन लेकर आया है। देखिए, मैं कई सारी वर्कशॉप्स करता हूँ तो उसके अंदर हमको कई सारे पार्टिसिपेंट्स एक ही कॉमन क्वेश्चन ज़्यादातर करते रहते हैं। उनका क्वेश्चन क्या रहता है कि सर, ऑनलाइन इंडस्ट्री ने हमारा धंधा खत्म कर दिया, ऑनलाइन इंडस्ट्री की वजह से हम अपने धंधे को ग्रोथ नहीं दे पा रहे, हमारे सारे मार्जिन्स खत्म हो गए हैं। इस प्रॉब्लम की एकदम जड़ से सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना होगा, जब ही आपको समझ में आएगा कि कैसे हम जो है ऑनलाइन इंडस्ट्री से बीट कर सकते हैं, कंपीट कर सकते हैं और अपने धंधे को ऑनलाइन होने के बावजूद अपने धंधे को एक बहुत ही अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमको वो करना होगा जो ऑनलाइन इंडस्ट्री कभी कर ही नहीं सकती। ऑनलाइन इंडस्ट्री कभी भी फिजिकल इंट्रैक्शन नहीं दे सकती, ये चीज़ बहुत शानदार है। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी है कि आपका अगर आपसे दोस्त अगर बोले कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ करिए तो आप उस प्रोडक्ट को 80% यूज़ कर लोगे। और अगर कोई, जैसे कि कॉमर्शियल एड्स में आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन नवरत्न का ऐड करते हैं तो उसका जो कन्वर्जन रेशियो है बहुत कम है, लेकिन अगर आपके दोस्त ने आपसे बोल दिया तो आप उस चीज़ को ज़रूर यूज़ करोगे। यही चीज़ आपको समझनी है कि आपको अपने कस्टमर को अपना फ्रेंड बनाना है, हर कीमत पर आपको अपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है। इसी के बाद मैं आपको देता हूँ सबसे पहला पॉइंट जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, प्रोवाइड गुड एक्सपीरियंस टू योर कस्टमर। आपको अपने कस्टमर को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देना है। देखिए, अगर आप एक मोबाइल रिटेलर हैं तो कोशिश करिए अपने जितने भी आपके सेगमेंट्स हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप का सेगमेंट है और आप जो है मोबाइल फोन्स में भी डील करते हैं और भी कई सारी चीज़ों में डील करते हैं, उनको प्रॉपर डिस्प्ले में लगा कर रखिए, जिससे आपका जो कस्टमर है उसको फिजिकली टच करके, एक्सपीरियंस करके, फील करके देख सके और उसके बारे में सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नोट्स को वो देख सके कि ये फ़ोन मेरे लिए बेसिकली यूज़ में है या नहीं है, क्या मैं इससे ये कर सकता हूँ जो मेरी ज़रूरत है, क्या मैं इससे वो नहीं कर सकता जो मेरी ज़रूरत नहीं है। तो जब वो सारी चीज़ें आपके फिजिकल एक्सपीरियंस के जरिए जब वो कर पाएगा तो वो आप जो आपका जो कस्टमर है उसके पास एकदम पॉजिटिव और एकदम एक्चुअल फीडबैक जाएगा। और वही चीज़ आपको चाहिए, जब आपका फीडबैक एकदम पॉजिटिव और एक्चुअल हो गया तो जब भी आपके कस्टमर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो आप ही के पास आएगा और आप ही के गाने गाएगा वो। ये चीज़ आपको समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको देता हूँ, वो बहुत शानदार, वो क्या है, डोंट जज योर कस्टमर। देखिए, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर को जज करने लग जाते हैं, उसको स्कैन करने लग जाते हैं। बहुत बड़े बड़े जो लाला टाइप जो लोग होते हैं वो अपने कस्टमर को स्कैन करने लग जाते हैं कि अरे ये तो वैसे ही देखने आया है, ये नहीं लेगा, अरे ये तो वैसे ही टाइम पास करने आया है, ये नहीं लेगा। ये चीज़ हमको नहीं करनी है। देखिए, कस्टमर अगर किसी शॉप के अंदर जाता है तो उसके अंदर इच्छा है किसी चीज़ को ख़रीदने की, चाहे वो आज ख़रीदे या आने वाले एक महीने में या एक साल में, लेकिन ख़रीदने की इच्छा है। तो आप उसको उसी तरीके से डील करिए कि वो आपसे ख़रीदने ही आया है। तो जब आप उसको अच्छी तरीके से डील करोगे, अच्छी तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, अच्छी तरीके से उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दोगे, तो ये समझ लीजिए वो आज नहीं तो कल प्रोडक्ट ज़रूर लेगा। और जब भी वो प्रोडक्ट लेगा तो सबसे पहले आपकी शॉप का नाम उसको याद आएगा, क्योंकि आपने उसको अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, अच्छा इंट्रैक्शन दिया है और एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना है। तीसरा पॉइंट मैं आपको देता हूँ, ट्रेन योर मैन पावर हाउ टू डील विद द कस्टमर। ये बहुत शानदार पॉइंट है, ये आपके बिजनेस के अंदर, आपके रिटेल के बिजनेस के अंदर एक गेम चेंज कर सकता है। आप जो है अपने जो मैन पावर है उसको ट्रेन करिए कि वो आपके कस्टमर के साथ में कैसे डील करे, कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करे, कैसे उसके साथ एक रिलेशनशिप बॉन्ड बनाए, कैसे उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए, कैसे उसको एक अच्छी फील दे पाए। जब ये चीज़ें आप उसको सिखाओगे, आप उसको अच्छी तरीके से ट्रेन करोगे, तो आपकी शॉप के अंदर आने वाला हर एक कस्टमर आपसे टोटल सेटिस्फाइड होकर जाएगा। और जब 100% कस्टमर सेटिस्फाइड है तो जब भी उसको किसी चीज़ की याद आएगी तो वो आपके ही शॉप में आएगा। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि सारा का सारा कस्टमर जब आपकी शॉप में आएगा तो वो ऑनलाइन क्यों जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है। देखिए, ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि वो ऑनलाइन इंडस्ट्री एक फिज़िकल इंट्रैक्शन कभी नहीं दे सकती। आज भी चाहे भले ही हमारा जो इंडिया है कितना भी डिजिटल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर एक छोटा सा डर बना रहता है कि मैं आज इस प्रोडक्ट को बुक करता हूँ
अपने लिए परचेज करता हूं तो शायद हो सकता है ऐसे ये जो प्रोडक्ट बुक किया है वो मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्ट आए ना या उस वो ख़राब आए, भले ही ऑनलाइन इंडस्ट्री ने उसके सॉल्यूशन निकाल लिए कि आप हमको इसको वापस कर दीजिए, हम आपको नया देंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है, जो कस्टमर बिहेवियर है, वो क्या कहता है कि हम डायरेक्टली जाकर दुकान से क्यों नहीं लेते, दुकान से जाकर लेंगे तो वहीं पर चेक करके देखेंगे कि सही है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, मेरी ज़रूरत के लिए है या नहीं है। जब ये चीज़ें आपका कंज्यूमर का बिहेवियर है तो आप उसको बिल्ड करने की कोशिश करिए, बहुत ही शानदार चीज़ है। चौथा पॉइंट है, ट्राई टू एडुकेट योर कस्टमर देन से। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट बहुत शानदार है, आपकी इंडस्ट्री में गेम चेंज कर सकता है। हम क्या करते हैं कि आप हम अपने कस्टमर जैसे ही हमारी शॉप के अंदर आया, हम उसको तरह तरह के प्रोडक्ट दिखाने लग जाते हैं, तरह तरीके की चीज़ दिखाने लग जाते हैं, लेकिन उस चीज़ से जो कस्टमर है वो कन्फ्यूज हो जाता है। हमको पहले अपने कस्टमर को समझना है कि उसकी नीड क्या है। वो एक्चुअल में क्या है, एक आपको सर्वे की रिपोर्ट बताता हूँ कि 80% ऑफ द कस्टमर दे डोंट नो व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट इन देयर लाइफ। उनको ये तक पता नहीं होता कि प्रोडक्ट क्या है और उस प्रोडक्ट की वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है। तो आप देखिए, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, हर किसी को उस सेगमेंट के बारे में पता नहीं होता, तो आपको ये काम ज़रूर करना है कि आप अपने कस्टमर को अच्छी तरीके से समझाइए, उसको एजुकेट करिए कि ये प्रोडक्ट इस तरीके का प्रोडक्ट है, इसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो और इसकी हेल्प से आप ये नहीं कर सकते हो, ये आपकी लाइफ में इस तरीके की वैल्यू क्रिएट कर देगा और ये आपकी इस तरीके से हेल्प कर सकता है। जब ये चीज़ें आपने अपने कस्टमर को एजुकेट कर दिया तो ये समझ लीजिए कि आपका गेम चेंज होने वाला है, आप एक बहुत कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने कस्टमर के ऊपर पूरा फोकस किया, उसको अच्छी तरीके से समझाया और जब वो समझ गया तो आप ही के पास आएगा, क्योंकि आपने उसको एक अच्छी क्लियर पॉजिटिव एक्चुअल नॉलेज दी है। ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद मैं आपको देता हूँ पाँचवा पॉइंट जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। पाँचवा पॉइंट है, ट्राई टू बिल्ड टेक्नोलॉजी टू बिल्ड योर बिजनेस। ये चीज़ आपको समझनी है कि देखिए टेक्नोलॉजी ऑनलाइन भी एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप अपने रिटेल के धंधे में अगर कर सकते हो तो टेक्नोलॉजी को ज़रूर बिल्ड करिए। आप उसके अंदर ERP बिल्ड करिए, CRM बिल्ड करिए, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं उनको बिल्ड करिए। उससे आपको पता चलता रहेगा कि मेरे को कितना माल कहाँ से कितना खरीदना है, कितना पैसा कौन सी जगह पर देना है, कहाँ से कितना पैसा निकालना है, और CRM की हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, और CRM की हेल्प से आप ये भी कर सकते हो कि हमारा जो कस्टमर है उसको हम कैसे दोबारा रिटेन करें, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखिए CRM की वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी है तो मैं ऊपर आए बटन के अंदर लिंक छोड़ रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि CRM एक बहुत ही शानदार चीज़ होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, एक बहुत ही शानदार टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने धंधे को एक बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हो। ये चीज़ आपको समझ रही है कि कस्टमर, देखिए एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ आपको, वो क्या है कि आज की डेट में प्रेजेंट टाइम के अंदर जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो क्या है, कस्टमर। अगर आपके पास कस्टमर है तो आपका बिजनेस है, अदरवाइज आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ाते रहिए, उसको अच्छी तरीके से बिल्ड करते रहिए। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, अमेजोन अपने एक कस्टमर को अक्वायर करने में 8,500 रुपये से ज़्यादा खर्च कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कस्टमर की वैल्यू क्या है मेरे अंदर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस कस्टमर की वैल्यू क्या है। इसी वजह से आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने कस्टमर को बहुत संभाल कर रखिए, उसको बहुत प्यार दीजिए, और वो कहते ना एक दोस्ती बिल्ड करिए उनसे, क्योंकि दोस्त जब किसी दोस्त को एक प्रोडक्ट को रेफर करता है तो 80% चांसेस होते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, परचेज कर लेता है और यूज़ कर लेता है। ये चीज़ आपको करनी है, और जब आप ये सारी चीज़ों को यूज़ करोगे तो वही होगा जो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि मज़ा तो जब ही आएगा जब आपका धंधा बड़ा हो जाए। मेरा नाम है जगवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस हमेशा मिलती रहे। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आप अपने बिजनेस के अंदर कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। जब आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे तो हम आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ कोई सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आएंगे।